कहाँ जा रही हो? सब्जी इधर रखी है, सारी की सारी कच्ची मट्टी है। तो प्यारे बहन भाइयों, आपने बताना है कि आज का जो हमारा क्या हो रहा है। ये सीधी कर रही थी। अच्छा, अभी जो है ना ये इधर पड़ी रहे। अभी जी ट्रेन वाली पटरी के साथ मौजूद हैं, दो बोरे हमने जो है ना वो तूड़ी के ले लिए हैं। ये क्रीम है जी। ये क्यों लगा रही हो? को प्रेस करूंगी। अच्छा, ये क्या है? ये देखें, क्रीम लगी हुई है। ये सफेद। क्रीम लगाने से इंसान चिट्टा होता तो फिर क्या? फिर तो मैं जहाड़ी में 500 वाली क्रीम लगा लेता। मेरा चेहरा भी देखने कितना खूबसूरत है और इसका चेहरा देखे कितना काला है। चुके हैं इधर जहाँ पर न्यू काम हो रहा है अहमद भाई वालों का, तो इधर पहुँच चुके हैं। उस्ताद फियाज जो है खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या बना रही हो? ये क्या है? रात भी आप इधर आए थे खाना खाने के लिए, उस टाइम भी आपने देखी थी। अभी कुछ ऐसे ऐसे देख रहे थे ना, मैंने कहा हो सकता है कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक से फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। व्लॉग जी हमारा हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। उसके बाद चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग, और कुछ मुझे काम काज हैं छोटे मोटे वो करने वाले हैं, वो भी करती हैं। और जैसे आप जानते हैं कि सुबह सुबह का टाइम काम वगैरह जो है सारा ओके हो जाता है। बाहर की सफाई, अंदर की सफाई, कमरों की सफाई, किचन की सफाई, सारा काम जो है ना ओके हो चुका है। ये देखें, सफाई वगैरह भी सारी ओके हो चुकी है, सामान वगैरह भी ओके हो चुका है। अभी मैं निकालता हूँ जी बाइक। बाइक निकालने के बाद मैंने जाना है कहीं पर, थोड़ा काम है मुझे, वो करके आते हैं क्योंकि वो भी लाजमी है। तो आपने साथ रहना है, वीडियो बिल्कुल नहीं पैक करनी क्योंकि आज की वीडियो जो है बहुत ही ख़ास होने वाली है और पैक करने वाली वीडियो बिल्कुल नहीं है। तो चलते हैं, आपने साथ रहना है और जो काम काज हैं वो करके आते हैं। सबसे पहले मुझे अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि उधर से उठानी पड़ेगी मुझे चाबी बाइक की। बाइक की चाबी उठाते हैं। बाइक की चाबी उठाने के बाद जो है फिर चलते हैं। ये आ गई बाइक की चाबी। तो बाइक निकालते हैं। बाइक निकालने के बाद फिर बाकी का जो भी काम काज होगा, जैसे भी व्लॉग बनता रहेगा, आपके पास शेयर करता रहूंगा। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी पहुंच चुके हैं इधर जहां पर न्यू काम हो रहा है अहमद भाई वालों का, तो इधर पहुंच चुके हैं। उस्ताद फियाज जो है खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अकरम भाई। उस्ताद जी क्या हाल है? तबीयत सेहत कैसी है? जबरदस्त माशाल्लाह जी। काम को तो खींच के रखा हुआ है ना? बस कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। सही, ये ऊपर लेंटर डाल दिया? हां जी, लेंटर भी डाला है। चलो मैं ना वो तूड़ी लेकर आता हूँ। दो तीन दिन मुझे टाइम नहीं मिला, डेली शहर जाना पड़ा। मैंने देखी आपकी वीडियो, आप शॉपिंग कर रहे थे। हाँ, माल लेकर आते हैं। तो आज मैंने सोचा कि वो ना लेकर आते हैं तूड़ी। हाँ। तो फिर उसके बाद जो है ना उसकी छतले पे करें, बारिश ना आ जावे। हाँ जी। और इधर खड़ा है जी मौजम, क्या हाल है जी? तबीयत सेहत कैसी है? जी। चलते हो मेरे साथ तूड़ी लेने? चले। फिर वो काबू कर लोगे? पीछे दो बोरे होते हैं, दो बोरे कर लेंगे जी। तो कैसे बैठे थे उस दिन? एक इंच की जगह पे बैठे थे। हाँ जी। नहीं वो आगे चेहरे पीछे की तरफ पीछे से बैठा था, दरमियान में बोले थे। नहीं, चेहरा पीछे था आपका क्या? आगे था? आगे था, आगे था, सेंटर में बोरे रखे हुए थे। अच्छा, चलो चलते हैं जी। वो ना दो बोरे में तूड़ी का लेकर आया था, लेकिन उस्ताद ने कहा कि इतना ना और ले आओ, तो इस वजह से जो है ना वो छत लिपाई नहीं हो सके। इधर सब्जी वाला भी जा रहा है वो स्पीकर चला के। तो अभी चलते हैं, दो बोरे जो है ना और ले आते हैं तूड़ी के, फिर जो है ना वो गारा बनाएंगे और छत की जो है ना वो लिपाई करनी है, क्योंकि बारिशें जो है वो बता रहे हैं। ये ना हो कि बारिशें आ जाएं फिर काम खराब हो जाए। तो सारे तोड़ी लेकर आती हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो भी होगा भी लोग आपके साथ शेयर करेंगे। अभी मौजम को कह रहा हूँ कि साथ चलो और तोड़ी जो है वो लेकर आते हैं। चले फिर, कोई पता नहीं है बारिश आते थी फिर सारी जाए हो जाएगी। चले चले जी, चलो अभी चलते हैं जी। वो बोरे खाली करने हैं तोड़ी वाले, वो डालते हैं वो मिट्टी के ऊपर। हाँ जी।
जो हमारी मिट्टी है गारे वाली उसके ऊपर, और दो बोरे और लेकर आते हैं तोड़ी के। अभी जी ट्रेन वाली पटड़ी के साथ मौजूद हैं, दो बोरे हमने जो है ना वो तोड़ी के ले लिए हैं, लगातार भी साथ है। और इधर आए हैं तो ट्रेन वाली ट्रेन जो है ना वो गुजर रही थी, तो इधर आके हमें खड़ा रुकना पड़ा। ओए ब्रेक नहीं लगाओ, जाने दो जाने दो, हे लका जाने दा जाने दा, रेसा 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 मंडो रेसा। ओए इधर नहीं खड़ी करनी यार, हमने क्रॉस होना है यार, आगे थोड़ा जाने दो जाने दो, थोड़ा आगे जाने दो। हाँ रेसा मंडो रेसा रेसा। वेलकम जी वेलकम वेलकम वेलकम, माशाल्लाह अल्लाह हाफिज हो गया जी। ट्रेन लास्ट में थोड़ी सी रहती है, ये गुजर जाए तो फिर जो है ना हम वो क्या कहते हैं बोरे पार करेंगे और उसके बाद जो है ना जाएंगे आगे आगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी फैनली फैनली घर जो है वो पहुंच चुके हैं, और तोड़ी वगैरह भूसा जो है वो लेकर आ चुके हैं। तो मिस्त्री भाई को मैंने बता दिया, मैंने कहा अभी मेरा काम ओके हो गया, आपने फिर वो गारा वगैरह बनाना है और किचन की जो है ना वो छत लिपाई करनी है। और इधर हाजरा जो है वो भी पहुंच चुकी है, हाजरा स्कूल से वापस आ गई। ये क्या लगा रही हो, ये क्रीम है जी। ये क्यों लगा रही हो ऐसे, ऐसे क्यों लगा रही हो? मम्मा भी लगा रही है। वो तो लगा रही है ना, वो कहती है मैं सफेद नजर आऊं। तो चलते हैं जी आगे आगे और आपको दिखाते हैं कि वो तूड़ी जो है कहाँ पर रखी है। ये देखें, दो बोरे पहले लेकर आया था वो जो है ना मैंने उधर डाल दिए हैं जहाँ पर गारा बनाना था, और दो बोरे जो है ना इधर रख दिए हैं। तो जैसे फिर मिस्त्री भाई जो है ना वो बनाएंगे गारा वगैरह, और अभी जो है ना तूड़ी हमारी पूरी हो चुकी है। तो देखते हैं नादिया कहाँ गई, किधर चली गई, किधर चली गई, अंदर क्या कर रही हो? आपका क्या काम है इधर, दुपट्टा भी नहीं पहना हुआ इन्होंने, दुपट्टा पहन लेती हूँ, ये अलमारी के चक्रों में पड़ी हुई है सुबह से। आज ना एक और बात बताऊं, सुबह से जो है ना लाइट बिल्कुल नहीं है, रात तकरीबन सुबह गई है 5-6 बजे की, लेकिन अभी तक मैं टाइम आपको बता दूं 2 बज गए हैं लेकिन लाइट जो है ना वापस नहीं आई। तो इधर मैंने पुर्जा चलाया है बैटरी पे, और वो जो है ना मोबाइल की हो रही है चार्जिंग। और ये देखें ये इधर खड़ी हुई है, क्या कर रही हो इधर? कुछ नहीं कर रही यार, ये देखने आई थी मैंने कहा कि रात जो कपड़े धुलाई किए थे ना, हाँ, तो बाहर तनाव पे खड़े थे, मैंने उसको सबको उतार के यहाँ पर रख दिया था, मैंने कहा सुबह जो है ना सबको प्रेस करूंगी। अच्छा ये क्या है, ये देखें क्रीम लगी हुई है, ये सफेद सफेद, ये आईना नहीं देखा ऐसे ही लगा दी थी। अच्छा तो उसके बाद जो है ना फिर सुबह की जैसे आपको पता है लाइट गई है, अभी तक जो है ना नहीं आई, क्योंकि आज नादिया ने करना था काम इसका अलमारी का, क्योंकि इसमें कपड़े वगैरह जो धुलाई होकर रखे हुए थे, तो इनका मिशन था आज का काम था कि सब कोना मैं प्रेस करूंगी, प्रेस करके फिर जो है ना अलमारी में सेट कर दूंगी, लेकिन इसका मिशन जो है वो कामयाब नहीं हुआ। वो इस वजह से नहीं हुआ कि सुबह की लाइट ना होने की वजह से, और दिन है ना पुर्जा हमारा देखें चल रहा है और चार्ज भी हो रहा है। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें चार्ज हो रहा है 14.1 पे जो है हमारी बैटरी है समय लेके फुल है, पुर्जा भी चल रहा है और चार्ज भी साथ साथ हो रही है। तो क्योंकि इसको यूज़ करना चाहिए, अगर बैटरी को यूज़ नहीं करेंगे तो बैटरी आपकी डेड हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने मोबाइल की बैटरी नहीं थी वो दूसरे की, जो हम जिस मोबाइल पे नादिया वीडियो बनाती है उसकी जो है बैटरी नहीं थी, तो मैंने पुर्जा चला के उसको जो है ना लगा दिया चार्ज पे। वो देखें ये सामने फ्रेम के ऊपर ना ये चार्जिंग के ऊपर लगा हुआ है मोबाइल, नीचे 3 स्विच रखा हुआ है और ये पुर्जा चल रहा है और ये हो रहा है चार्ज। तो इधर जो है ना देखें अभी ऐना उठा के बैठ गई है, साथ बेटी को भी बिठा दिया है हाजरा को, और उसको भी चेहरा दिखा रही है कि मैं चिट्टी हो गई हूँ कि नहीं, लेकिन आप चिट्टी नहीं होती, करीम लगाने से इंसान चिट्टा होता तो फिर क्या, फिर तो मैं झाड़ी में 500 वाली करीम लगा लेता। सही है,
करीम लगाना से इंसान चिट्टा नहीं है ना, तो आपको पता नहीं। अच्छा आप लगाती हो, फिर तो आपका कलर मेरे से भी सफेद नहीं है, मेरा आपसे फिर भी अच्छा है। तो प्यारे बहन भाइयों आपने बताना है, मेरा चेहरा भी देख लें कितना खूबसूरत है, और इसका चेहरा देखें कितना काला है। काला है ये देखें, नजर नहीं आ रहा आपको? चिट्टा है, चिट्टा है, लगा के जी। सही है, आप जो है ना खूबसूरत हो, प्यारे हो, सफेद कलर के हो, हम तो ऐसे ब्लैक है। फिर ब्लैक है, फिर ना लगाया करें ना करीम वगैरह, अभी देखें सुर्खी लगाएगी, वो क्या कहते हैं इसको, लिपस्टिक, 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 हाँ जी लिपस्टिक वो लगाने वाले हैं अभी, क्योंकि फिर इन्होंने लगता है अपना व्लॉग शुरू करना है, जहाँ तक मुझे शक पड़ गया है। तैयारी करके फिर ये व्लॉग बनाएगी, क्योंकि ये कहती है अकरम खान से ना मेरे व्यूज हैं वो ज़्यादा आए, अकरम खान के बेशक ना है लेकिन वो कहती है मेरे व्यूज ज़्यादा आए। तो अकरम खान कौन है और मैं कौन हूँ? अकरम खान बलोच है और आप नादिया हैं। तो फिर हम हैं तो एक ही ना? एक कहाँ है, मैं अकरम हूँ आप नादिया हैं, एक हैं। आप हस्बैंड हैं मेरे। अच्छा वो क्या होता है, सरेकी में बताओ। आप जो है ना मेरे पाए हो पाए। अच्छा जी अभी चलते हैं जी बहर, और बहर का व्यू वगैरह जो है वो देखती हैं। और एक बात और बताऊं, ये पर्दा मेरा ना इधर से गिर गया, ये उधर ना केल असल में ना लगाए नहीं जाते, क्योंकि ये जो है ना इधर सीधी सीधी ईंटें थी, इधर लग जाता था, लेकिन इधर अगर ईंटें होती ना इधर तो फिर तो ये पर्दा ओके लग जाता, ये जाता भी नहीं, इस साइड पर लगाना पड़ता है केल, और वो जो है ना अच्छी तरह से इधर से लगता नहीं है। तो इस वजह से जो है ना वो रात हवा चली हुई थी काफ़ी ज़्यादा, हवा की वजह से जो है ना वो फिर गिर गया सारा। और अभी बहर आ चुके हैं जी, मैं आपको बहर वाली तूड़ी दिखाता हूँ, जो कि दो बोरे मैंने इधर कल्टी किए हैं सुबह, और फिर खाली बोरे लेकर मैं चला गया था उधर और तूड़ी लेने। तो ये हमारी मिट्टी है, और ऊपर तूड़ी डाल दी है, और दो बोरे और भी रखे हैं, वो भी ऊपर डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे, फिर इसको पानी वगैरह लगाएंगे, फिर ये जो है ना अच्छी तरह से गारा बन जाएगा, फिर उसके बाद जो है ना हम छत की लिपाई करेंगे। अभी चलते हैं उधर मिस्त्री भाई के पास, उधर उससे दुआसा भी करते हैं, और उसको बताते हैं कि तूड़ी वगैरह जो है वो आ चुकी है, और फिर आपने ये कब जो है ये गारा बनाना है, और कब जो है आपने लिपाई करनी है, तो उससे चल के पता करती हैं, पता करने के बाद फिर जो है आपके साथ शेयर करते हैं। अभी देखते हैं पता नहीं हैं सही या नहीं है, क्योंकि बाहर तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, अगर अंदर कोई काम कर रहे हैं तो पता नहीं है, देखें ना बाहर कोई भी नज़र नहीं आ रहा, ईंटें तो खड़क रही हैं, लगता है वो खड़े हैं काम पे खड़े हैं। तो चल के उनसे बातचीत करते हैं, दुआ सलाम करते हैं, और आपके साथ भी बातचीत करवाते हैं, वो किस चीज़ कितने के कौन सा टाइम जो है वो बताते हैं। तो अभी चलते हैं उधर, चल के देखते हैं उस्ताद कहाँ गया, इकट्ठी हो रही हैं। आगे कर रहा हूँ, वो आगे चुनाई करनी है। अच्छा चुनाई करनी है, तो फिर वो कब बनाएगा गारा, वो उस्ताद से पूछना पड़ेगा। हाँ क्योंकि उन्होंने कहा था मुझे तूड़ी वगैरह ले आओ, तूड़ी मैंने ले के रख दी है। ओके, वो क्या नाम है, दो दिन तो उसे भेजना ही पड़ेगा ना, भिगो के रखना ही पड़ेगा तूड़ी को, गारे को। हाँ उसको मिक्स करके पानी लगा के फिर छोड़ देंगे ना, एक दिन या दो दिन के लिए, वो जैसे बन जाएगा गारा फिर उसका फिर लिपाई करेगा। तो मैं सोच रहा हूँ मौसम ख़राब है, तो इस वजह से मैंने कहा उस्ताद से चल के मिलते हैं, पता करते हैं कि वो क्या टाइम देते हैं, लेकिन वो तो नहीं है। तो जैसे आते हैं फिर उनसे दुआ सलाम करेंगे, फिर उनसे पूछेंगे। नहीं दो बज गई है अभी, ढाई बजे तक करा जाएगा। अच्छा चलो आप ईंटें इकट्ठी करो, और उसके बाद जो है ना फिर वो आ जाएगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं जी वापस, इधर जो है ना वो मज़दूर भाई जो है वो लगे हुए हैं, लेकिन उस्ताद जो है वो नहीं है, उस्ताद जो है आ जाएगा, फिर उनसे पूछ लेंगे कि क्या प्रोग्राम है और कैसे है। तो चलते हैं अभी, चल के एक और काम भी मुझे छोटा मोटा सा याद आ गया है, तो वो कर लेते हैं सबसे पहले, घर जाना पड़ेगा दोबारा फिर मुझे, क्योंकि एक काम छोटा सा मुझे है वो करती हैं, फिर उसके बाद जो है ना देखेंगे कि क्या जो है सूरत हाल बनती है। और गाड़ी वगैरह माशाल्लाह भी बाहर खड़ी हुई है, अहमद भाई पता नहीं कहीं गए थे या कल की इधर खड़ी है, लगता है ऐसे है कि कल की इधर खड़ी होगी। हवा देखें कैसी चल रही है,
हवा बड़ी स्पीड में चलती है और इतनी गर्म भी नहीं है, इतनी ठंडी भी नहीं है। जैसे नॉर्मल मौसम होते हैं ना, ये समय लेकर नॉर्मल मौसम ही है। और बच्चों का काम चेक करें, वो देखें गाड़ियां भगा के आती हैं और इधर गिर जाते हैं। अभी वापस आ चुका हूँ जी घर, और अभी क्या करना है, जो काम है छोटा जा वो करते हैं, फिर मिलते हैं आपके साथ। क्या बना रही हो? पुआ बना रही हूं। ये क्या है? खेल रही है। इसमें मिट्टी में पानी डाल के? हाँ जी। अच्छा, ओ हैदर कहाँ जा रहे हो? ये क्या खेल रहे हो? गाड़ी। गाड़ी है? वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। अभी चलते हैं जी, आगे चल के किसी से बातचीत जो है वो कर लेते हैं और आपके साथ भी करवा देते हैं बातचीत, और काम देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो छोटा मोटा काम मैंने करना था वो मैंने कर लिया है। मुंशी क्या ढूंढ रहा है? ढूंढ कुछ भी नहीं रहा। इधर तो आए हो, किचन में कुछ ढूंढ रहे थे, ऐसे ऐसे देख रहे थे। मैंने कहा पता नहीं क्या देख रहा है, पता करती है। किचन की सेटिंग देख रहा था। नहीं, किचन की सेटिंग तो हुई पड़ी है, ये तो आज तो नहीं हुई कि आज देख रहे हैं आप, ये तो कब की हुई पड़ी है। ये तो रात भी आप इधर आए थे खाना खाने के लिए, उस टाइम भी आपने देखी थी। अभी कुछ ऐसे ऐसे देख रहे थे ना, मैंने कहा हो सकता है कोई चीज जरूरत हो, ढूंढ रहा हो, इसलिए पूछा है। बाकी और कोई मसला नहीं। रात आया था ना, अंधेरा था, मैं नहीं। अंधेरा नहीं था, इधर बड़ी लाइट लगी हुई थी, आपकी आंखों में अंधेरा था, लेकिन अभी कोई काम था तो मैंने कहा पूछ ले। फिर ये ना कहे कि मैं गया हूँ ढूंढ रहा था, किसी ने कुछ हमें मुझे बताया भी नहीं है। नहीं, इस वजह से मैंने आपसे पूछा है। कोई जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत होती है तो आपसे पूछ लेते हैं और ले भी लेते हैं, जो शायद होती है इधर मिल भी जाती है हमें अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो वैसे मैं चिकन का वजह कर लूँ। वो चिकन नहीं होता, किचन होता है यार। किचन का विजट कर लो, सॉरी। अच्छा जी, चलो जी, ओके हो गया। ये मैंने कहा चलो इससे पूछ लेते हैं, फिर ये ना कह के मामू जान ने पूछा भी नहीं है, मैं ऐसे अकेला घूम घूम के चला गया। नहीं नहीं, आपकी मेहरबानी। तो इस वजह से मैंने कहा पूछ लेते हैं। बिल्कुल। तो इन्होंने बता दिया कोई काम नहीं है, फिर कोई काम नहीं है तो फिर इसकी अपनी मर्जी है जी। अभी हम चलते हैं, कोई और बातचीत आपके साथ शेयर करते हैं और व्लॉग वगैरह आपके साथ शेयर करते हैं। हाँ जी, क्या हो रहा है? अच्छा, अभी जो है ना, ये इधर पड़ी रहे, ये जो कचरा वगैरह पड़ा है, तो जैसे ये मिस्त्रियों के ना वो हाथ वाली रेड़ी फरी होती है ना, अभी तो वो काम कर रहे हैं ना, जैसे फरी होती है फिर एक दो रेड़ियां मिट्टी के लिए आएंगे, सही है, इसके ऊपर ना वो सारी मिट्टी डाल देंगे ताकि ये VIP प्रोटोकॉल साफ सुथरा माहौल हो जाएगा। कैसे मुंशी? क्योंकि अभी इसको निकालें कोई फ़ायदा नहीं है, ऊपर मिट्टी डालेंगे, क्योंकि एक तो थोड़ा ये ऊंचा हो जाएगा, पानी जो है इधर नहीं रुकेगा बारिश वगैरह का, वो गेट से बाहर निकल जाएगा, और ये जो है ना सारा मिट्टी डाल के ना इसको इसके अंदर ही दफन कर देते हैं। ओके वाली बात है ना, क्योंकि ये साइड भी जैसे है ना, इधर भी मिट्टी डाल देंगे, ये सारी है ना जो भी 5-7 रेड़ियाँ आती हैं ना, वो मिट्टी के उठा के इधर डाल देते हैं, फिर उसके बाद ये VIP प्रोटोकॉल माहौल बन जाएगा। फिर इधर जो है ना हमने लेकर आना है एक तो अपने वो परिंदों वाला जो है ना वो पिंजरा, वो भी इधर आके रखेंगे, क्योंकि गर्मियां आ रही हैं, गर्मियों के मौसम में फिर आपको पता है धूप होगी, तो इधर ना छांव भी बन जाएगी, और उसके अलावा वो छांव पे रखे रहेंगे, एक साइड पे आज़ाद रखे रहेंगे। लेकिन एक और टेंशन भी मुझे होती है ख़ासकर गर्मियों में, कि परिंदे जब हमारी चार पाइयों से दूर होते हैं तो बिल्लियाँ तंग करती हैं, क्योंकि अभी सर्दियों में ऊपर से हम ढांप देते हैं ना कपड़े से, गर्मियों में तो हम नहीं ढांपते। हाँ, वो सारी रात वो फिर सारी रात उनको जलील करती हैं बिल्लियाँ, तो इस वजह से कोई जुगाड़ जो है ना लगाना पड़ेगा बहरहाल, लेकिन देखते हैं कोई हिसाब किताब लगाते हैं, क्योंकि उधर से ना वो हमारी गली वगैरह जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। वो जो गंदम वाला ड्रम है वो भी हम उठा लेंगे, अभी तो उसके अंदर गंदम रखी है ना, जैसे वो थोड़े कम होती है ना गंदम, तो फिर वो उठा लेंगे,
तो इधर रख देंगे वो उनको भी, क्योंकि इधर भी सही है जगह। वो हमारी वो कलोटी भी इधर आ जाएगी और ये परिंदों का पिंजरा भी इधर आ जाएगा, फिर ये मट्टी वगैरह डाल के ये सेटिंग भी अच्छी हो जाएगी। एक साइड पे हो जाएगी ना तो फिर वो साइड जो है ना हमारा बिल्कुल साफ। ये जो है किचन पुराने वाला, ये भी हम तोड़ देते हैं, इसको तोड़ के ये जगह भी हमारी साफ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है। हाँ इसको तोड़ देंगे इंशाल्लाह। सही है ना? हाँ जी सही है, इनको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ देंगे। तो इस चीज की ईंटें वगैरह यहाँ से उठाई हैं, ये बराबर की है, फिर सिर्फ यहाँ पर मिट्टी डालनी है, तो फिर इंशाल्लाह कल जो है ना इसको तोड़ देंगे, इसको तोड़ के इसकी ईंटें वगैरह जो है ना वो बाहर रख देंगे, और ये जगह जो है ना ये बाहर रखेंगे या वो आगे फर्श डालेंगे? किस चीज का फर्श? वो किचन के आगे जहाँ पर वो आपने टाइल लगाई है ना, उससे आगे जो जगह बची पड़ी है, ये वाली ईंटें साफ है, ये निकाल के साफ करके इसके ऊपर मिट्टी ना साफ करके इसको फिर थोड़ी ना जमीन के अंदर पूर देंगे और उसके लेवल बराबर कर देंगे, मिट्टी खोद खोद के फिर ये ईंटें लगा देंगे उस लेवल पे। सही है ना? चलो ठीक है जी, देखते हैं अभी। अभी टाइम जो है हमारे पास हो रहा है जी तकरीबन सब्जी वगैरह तो ले आए, 4:15 हो गई है। सब्जी क्या ले कर आऊं बताओ, आज अपनी फरमाइश पूरी कर दो। फरमाइश क्या ले कर आओगे यार? ये जब बात होती है ना सब्जी की, फिर कहती है क्या ले आओगे यार, क्या ले आओगे यार, कैसे ले आओगे यार, दुकान से ले आऊंगा। वो तो आपकी बात ठीक है, दुकान से ले आओगे, लेकिन ये मैं कह रही हूँ कि जो चीज आपको पसंद हो ना वही ले आओ, मेरा तो किसी चीज मुझे कोई चीज भी पसंद नहीं आ रही अभी इस टाइम। देखते हैं बात सुनूंगी, इस टाइम जो है ना इनको कोई चीज पसंद नहीं आ रही और मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या चीज लें और क्या चीज खाएं, तो फिर क्या बनेगा? और कालिया क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा तेरा बंदे, क्या क्या बनेगा तेरा बंदे। तो अभी जी ट्रेन आ गई है, शोर शराबा कर रही है और मैं चलता हूँ सब्जी लेने के लिए, उधर चलता हूँ जो चीज़ भी अच्छी लगेगी मुझे वो वाली सब्जी जो है लेकर आती हैं, फिर बनाते हैं रेसिपी, रेसिपी बनाने के बाद फिर जो है हम खाएंगे खाना, खाना खाने के बाद फिर हम सो जाएंगे। तो अभी चलते हैं क्योंकि बाइक मेरी जो है वो मैयुद्दीन भाई शहर ले गए हैं, अभी मुझे पैदल जाना पड़ेगा दुकानदार के पास, लेकिन साथ ही है उधर चले जाते हैं सब्जी लेके आ जाते हैं, देखते हैं उसके पास कोई गोभी मटर पड़े हैं तो वो ले आते हैं, कोई और चीज़ है तो वो ले आते हैं, जो चीज़ भी अच्छी लगेगी वो ले आते हैं। कहाँ जा रही हो? सब्जी इधर रखी है, देखा है सब्जी रखी है, सब्जी इधर रखी है, सब्जी काटो। और वो काम हो गया आपका मुकम्मल? प्यारे बहन भाइयों आपने बताना है कि आज का जो हमारा ये काम है, आज की थोड़ी बहुत सफाई जो है वो नाजिया ने की है, क्योंकि मैं उधर चला गया था ये तोड़ी छोड़ी लेने के लिए और उधर से जैसे वापस आया फिर और छोटे मोटे काम काज, उसके अलावा इन्होंने इतने ना इतने रोड़े ये चीज़ें उठा ली हैं, अभी इसके ऊपर ना मिट्टी हमने डालनी है, तो आपने बताना है कि इधर इसके ऊपर मिट्टी डाल दें, तो ये हमारा आज का काम जो है वो आपको कैसा लगा है ज़रूर बताना है ना। हाँ जी। तो फिर उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे, ये साफ़ सुथरा माहौल बन जाएगा और वीडियो भी हमारी यहीं पर मुकम्मल होती है। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, आज के हमारे काम काज आपको पसंद आएंगे, अगर पसंद आए वीडियो को शेयर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें जी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, साहब बहन भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बाय।